एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम सब कुछ एग्जाम को कवर करते हैं, जिसमें बिहार लेखपाल भर्ती, बिहार बिजली विभाग, बीएसएससी, दरोगा, रेलवे और सिपाही भर्ती। इसके अलावा अगर आप सिविल कोर्ट की एग्जाम देने वाले हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए कारगर होगा। इसमें 70 बीपीएससी वाले इस करंट अफेयर्स को ना देखें, उनके लिए ये उपयोगी नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, असम ने किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो कागजी नींबू जो होता है उसको असम द्वारा अपना आधिकारिक राजकीय फल घोषित किया गया है। तीसरा, गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? आंसर होगा 15 फरवरी 2024। फोर है, दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होती है। पांच, किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर समझौता हुआ है या सहमति हुई है? तो इसका आंसर होगा ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा माल्टा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर से ये हमारे भारत में ही है, गुरुग्राम में है, ठीक है। सात, भारत ने किस देश के साथ 16 फरवरी 2024 को एक प्रवसन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। आठ, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ईरान। नौ, भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को कहां आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को कब मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी 2024। 11, 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आंसर नई दिल्ली। 12, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2024। 13, विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 125 देश में किस स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 281 के तहत कब 16वें वित्त आयोग का गठन किया? इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2023। 15, 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा गांधीनगर। 16, वैश्विक स्तर पर किस वर्ष को सबसे गर्म वर्ष होने का खिताब मिला है? तो 2023 सबसे गर्म वर्ष पूरे विश्व में अभी तक 2023 था और भारत के लिए ये दूसरा सबसे ज्यादा गर्म वर्ष था, ठीक है। 17, 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना करोड़ बजट में अनुमानित है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.1% है? तो इसको भी आप याद रखेंगे कि राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 5.1% है, ये प्रश्न बीपीएससी भी पूछ चुकी है, ठीक है। तो टोटल जो बजट में राजकोषीय घाटा है वो है 16 करोड़ ठीक है, तो 16 लाख है, 16,85,494 करोड़ रुपया जो है ये आपका राजकोषीय घाटा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया? तो 19 बच्चे को नवाजा गया है, जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। 19, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी में किसे अवार्ड मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। 20, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर है पुअर थिंग्स। 21, ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, ओपेनहाइमर के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फीफा के वर्ष 2023 के पुरस्कारों का वितरण लंदन में 15 जनवरी 2024 को हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में किसको अवार्ड मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। 23, फीफा के वर्ष 2023 के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे मिला? एताना बोनमती को मिला है, ठीक है, ये शायद स्पेन या इटली की है, आप सब देख लेंगे, ठीक है। 24, वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कारों में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 132। 25, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। आइए नाम जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 25 का ही, ये 5 व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें एम वेंकैया नायडू,
चिरंजीवी एक्टर हैं वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, विदेश्वरी पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है। ठीक है, 26, देश में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ की गई, तो मथुरा के वृंदावन में की गई है। 27, भारत और किस देश के बीच साइक्लोन युद्ध अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र की राजधानी होती है काहिरा, इंग्लिश में कैरियो बोल देते हैं। ठीक है, यह दूसरा संस्करण था इस युद्ध अभ्यास का। 28, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रांस बेकेन ब्राउजर का निधन हो गया 7 जनवरी 2024 को, तो ये जर्मनी के बहुत ही शानदार फुटबॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 29, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित कितने खिलाड़ी या कोच हैं, तो 7 हैं टोटल। 30, बेटन कप 2024 जो प्राचीन हॉकी, यहाँ पे हॉकी होगा, ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट में से एक है, इसको लगातार दूसरे वर्ष किस टीम ने जीता, तो नौसेना की टीम ने जीता है। 31, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024 जो कि 14 से 28 जनवरी 2024 को मेलबर्न में खेला गया, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन बने, तो इसका आंसर होगा यानिक सीनर, ये इटली के हैं। 32, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में महिला एकल विजेता कौन बनी है, तो आर्याना सबालेंका, ये बेलारूस के हैं। बेलारूस का राजधानी मिंक्स होता है, ठीक है, इटली का राजधानी हो गया आपका, इटली का हो गया रोम, हाँ रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में क्रिकेट के क्षेत्र में वर्ष 2023 का 19वां क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट कमिंग्स। 34, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्रिकेट के क्षेत्र में वर्ष 2023 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है, तो सूर्य कुमार यादव। 35, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, या भारत रत्न प्राप्त करने वाले कैमे व्यक्ति हैं, तो ये 49वें व्यक्ति हैं, याद रखेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 36, म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस पर कितने कैदियों की रिहाई की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 9652 कैदी। 37, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन है, जापान, इस पर मैं डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। 38, देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है, 718, सबसे ज्यादा लद्दाख में है। 39, हिम तेंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा IUCN द्वारा किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षित। 40, हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क जहां एक माह में 7 चीते का जन्म हुआ है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी में किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। 42, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल जियामाटी द होल्ड ओवर्स के लिए, ठीक है। 43, फीफा का वर्ल्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गोलकीपर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे गोलकीपर आप कर लेंगे, तो एंडरसन जो कि ब्राजीलियन खिलाड़ी हैं इन्हें मिला है, यहाँ गोलकीपर जरूर कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है, गोलकीपर का अवार्ड मिला है एंडरसन को। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 44, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 45, किराने घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में 13 जनवरी 2024 को पुणे में निधन हो गया, इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। 46, श्री कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये 49वें व्यक्ति बने जिन्हें भारत रत्न मिला, ठीक है। 47, दूसरी G20 रोजगार कार समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने 28 मार्च 2024 को कहां से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। 49, किस राज्य के नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 50, शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च। तो ये था आपका करंट अफेयर्स 2024, ठीक है, ये सारे एग्जाम जो जो मैं बताया आपको शुरुआत में, लेखपाल भर्ती बिजली के लिए आया है, उसके बाद BSSC का अगर एग्जाम देंगे आप सब, इंटर स्तरीय, दरोगा, रेलवेज और सिपाही भर्ती और इवन सिविल कोड, इन सब एग्जाम में ये सारे करंट अफेयर्स उपयोगी होंगे। आपको 10 मिनट में शानदार 50 सबसे अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखेंगे। मैं ऑप्शन वाला इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप सब ही बोले कि ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं इसे वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। डेली सुबह आपको 8 से 9 के बजे के बीच में कल से आपको डेली इस करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, ठीक है। आज थोड़ा 1-2 दिन से लेट हो जा रहा हूँ, और अकाउंटेंसी का जो वीडियो है वो लेखपाल भर्ती के लिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसका भी कल आपको मिलेगा, और टैक्सेशन और बिहार पंचायत का भी अभी 2 वीडियो और बाकी है, तो वो मैं करके
पंचायत का दो वीडियो और फिर जीएसटी का तीन वीडियो या दो वीडियो है, ठीक है। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स टैक्सेस हैं, उसके ऊपर हम सब अलग से बात करेंगे। और उसके बाद इन सबको खत्म करने के बाद अकाउंटेंसी डेली रहेगा बिजली के लिए, बिजली विभाग एग्जाम के लिए और लेखपाल के लिए अकाउंटेंसी डेली रहेगा आपको। और कल से मैं डेली कोशिश करता हूँ कि अकाउंटेंसी का एक वीडियो ना एक वीडियो जरूर लेकर आऊँ आप सबके लिए, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्जिन आपके एग्जाम में फैक्टर है, 50 नंबर आपको पूछेगा तो आधा तो उसी पे है, तो इसलिए उसको ज़्यादा मेहनत करना होगा उस पर, इसलिए मैं कल से लाता हूँ वीडियो, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ के लिए मैं बोल ही चुका हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।